हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक दैट इज फ्रॉम द पेपर 1 यूनिट 2 एंड टॉपिक 2.2। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वर्टिब्रेट इंटीग्यूमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के इंटीग्यूमेंट्स और इंटीग्यूमेंट्स के जो डेरिवेटिव्स है इसके बारे में हमें ये टॉपिक में स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज मीन बाय द इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? तो इंटीग्यूमेंट का मतलब होता है कि एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एनिमल। ओके, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होता है एनिमल्स का उसे बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। एक्सटर्नल मींस आउटसाइड। ओके, एक्सटर्नल मींस आउटसाइड, नॉट इनसाइड। तो जो आउटसाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं बॉडी के उसी को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट। प्रोटेक्टिव अब एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग का मतलब ही क्या हो गया कि स्किन, जो ऊपर की स्किन होती है दैट इज नोन एज द इंटीग्यूमेंट्स। ओके, स्किन और उसके डेरिवेटिव्स। अब स्किन के ऊपर कौन से चीजें होती है, जैसे कि हेयर्स होते हैं, फिर हमारे नेल्स होते हैं, फिर एनिमल्स में कैसे होता है, हॉर्न्स होते हैं, बर्ड्स में फीदर होते हैं, तो ये सब हो गए उसके डेरिवेटिव्स। सो द इंटीग्यूमेंट ऑफ द स्किन forms the external protective covering of an animal in the vertebrates. Okay, it is a continuous with a mucous membrane lining the mouth, rectum, nostril, eyelids and the opening of the urogenital dung. अब ये जो external protective covering होती है ये कैसी continue होती है? So it is continued. It is continuous with म्यूकस मेम्ब्रेन, देन द लाइनिंग ऑफ माउथ, देन द नोस्ट्रिल, देन आईलिड्स एंड द ओपनिंग ऑफ यूरोजेनिटल ये इनके साथ क्या होती है, एक्सटर्नल कवरिंग इनके साथ कंटिन्यूड होती है। देन द कंजक्टिवा ऑफ द आईबॉल, जो आईबॉल का कंजक्टिवा है, एंड द आउटर सरफेस ऑफ द ईयर डर्म इज ऑल्सो अ स्किन। क्या होता है कि जो आईबॉल का कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल एंड द आउटर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम ये भी क्या है, दे आर ऑल्सो द स्किन। सो द स्किन कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्किन। सो द इवोल्यूशन ऑफ द स्किन वर्टिब्रेट इंटीग्यूमेंट्स इज कलेक्टेड विद द ट्रांजिशन ऑफ द वर्टिब्रेट फ्रॉम एन एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। सो अब ये किस टाइप से प्रोटेक्ट करते हैं, जो इसके इंटीग्यूमेंट्स के जो डेरिवेटिव्स है स्किन है वो किस टाइप से प्रोटेक्ट करती है, जो नेल्स, हॉर्न, फीदर्स ये सब कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स को, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी द फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स। ओके, सो द इंटीग्यूमेंट और अ स्किन परफॉर्म्स द सेवरल इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब ये कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, देन इट वर्क्स एज अ डर्मल एक्सोस्केलेटन, देन इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन,
इट ऑल्सो वर्क्स एज द फूड स्टोरेज, देन इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, सो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी, देन एक्सक्रिएशन के लिए, जैसे कि जो स्वेट के थ्रू हमारे बॉडी से जो वाटर सॉल्ट यूरिया जो निकलता है, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प इन द एक्सक्रिएशन, ठीक है, जैसे कि स्वेट के थ्रू, देन इट ऑल्सो हेल्प इन द सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन होता है स्किन के थ्रू, तो ये जरूरी है सेंसेशन क्यों, क्योंकि टच पेन प्रेशर ये टाइप की जो चीज़ें होती है, अगर हमारे बॉडी में सेंसेशन नहीं रहेगा या फिर एनिमल बॉडी में सेंसेशन ही नहीं रहेगा तो वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। देन फॉर द सेक्सुअल सिलेक्शन, ओके, सो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एनिमल होते हैं, सो इट इज ऑल्सो हेल्प इन द सेक्सुअल सिलेक्शन, और ऐसे की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसके फंक्शन में देखनी है। सो फर्स्ट वी विल सी प्रोटेक्शन। सो हाउ द इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्ट द एनिमल बॉडी। सो द इंटीग्यूमेंट और द स्किन सेपरेट द एनिमल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरमेंट, क्या करती है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सेपरेट करती है, एंड ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है, सो इट मेंटेन्स, सॉरी इट सेपरेट सेपरेट्स द एनिमल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड मेंटेन्स द कॉन्स्टेंट मेंटेन द कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, जो बाहर का एनवायरमेंट है उससे वो बॉडी को सेपरेट रखती है, और जो अंदर का एनवायरमेंट होता है बॉडी के अंदर का, उसे क्या करती है वो मेंटेन करती है एज अ कॉन्स्टेंट। देन इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द वेराइटीज ऑफ द मैकेनिकल एंड केमिकल इंजुरी विच में रिजल्ट फ्रॉम द प्रेशर फ्रिक्शन ब्लोज एंड हार्मफुल गैसेस एंड फ्लूइड्स, क्या करता है कि इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द वेराइटीज ऑफ द मैकेनिकल एंड केमिकल इंजुरीज, मैकेनिकल और केमिकल इंजुरीज से, जैसे कि प्रेशर से, ठीक है, प्रेशर से, फ्रिक्शन से, ओके, ब्लो से, और हार्मफुल गैसेस और फ्लूइड से इट प्रोटेक्ट्स द स्किन। देन द प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव सच एज द स्केल हॉर्न्स प्लेट फैट फीदर हेयर्स एक्सेट्रा रिड्यूस द फोर्स ऑफ द इंजुरी, ओके, एंड इट प्रिवेंट्स द एक्सेसिव लॉस ऑफ द बॉडी मॉइस्चर एंड इट डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया डेरिवेटिव, जैसे कि हेयर्स फीदर्स ये सब होते हैं, देन द बॉडी फैट होता है, ठीक है, एनिमल्स में प्लेट्स होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ द इंजुरी, ठीक है, जो भी इंजुरी होने वाली है उससे इनको बचाते हैं, और बचाने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि जो बॉडी का मॉइस्चर होता है उसको लॉस होने में, एक्सेसिव लॉस होने में, अगर बॉडी में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो एनिमल जिंदा ही नहीं रह पाएगा, तो ये मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं डेरिवेटिव, ये हेल्प करते हैं। और एंट्री ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, जो एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया एंड द फंगी और एनी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स, तो उनको वो एंट्री नहीं देते हैं अंदर, सो द प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव्स, प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव सच एज स्केल्स बोनी प्लेट्स फैट फीदर्स, ओके, ये सब होते हैं, तो ये क्या करते हैं
इट रिड्यूस द फोर्स ऑफ इंजुरी, रिड्यूस द फोर्स ऑफ इंजुरी एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर एंड डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी. ओके, प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, जैसे कि स्केल, बोनी प्लेट्स और फैट फीदर्स वगैरह जो होते हैं, ये फोर्स के इंजरी को रिड्यूस करते हैं. देन इट प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर एंड डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ द हार्मफुल बैक्टेरियाज एंड फंगी इन टू द बॉडी ऑफ द एनिमल. और भी डेरिवेटिव्स है जैसे कि फर, फीदर, ओके, स्पाइन, क्लॉज, नेल्स, हूफ और जो एंटीलर मतलब जो सींग होते हैं वो एनिमल को ऑफेंस भी करते हैं एंड सर्व फॉर द ऑफेंस एज वेल एज द डिफेंस. ओके, सो द फर्स फर फीदर्स स्पाइंस, कोई कोई एनिमल्स की बॉडी होती है जिनमें के स्पाइंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं पोर्क्यूपाइन का, तो उनमें कैसे बॉडी में कांटे होते हैं, तो इट वर्क्स एज अ ऑफेंस एज वेल एज द डिफेंस. ठीक है, उनका खुद को ऑफेंस करने के लिए और दूसरों के साथ डिफेंस करने के लिए, ये दोनों के लिए ये हेल्प करता है. सो स्पाइन, क्लॉज, ओके, हूफ, हॉर्न्स, एंटीलर्स, ऐसे के बहुत सारे हैं, तो इट सर्व्स एज अ ऑफेंस एंड डिफेंस, खुद की भी रक्षा करने के लिए और दूसरों से बचने के लिए भी और उनके ऊपर अटैक करने के लिए भी, ये दोनों के लिए ये हेल्प करते हैं. देन द प्रोटेक्टिव कलरेशन सर्व्स एज अ एस्केप डिटेक्शन बाय द एनिमीज, जो बहुत सारे एनिमल्स में उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, सो प्रोटेक्टिव Protective coloration, it serves to escape detection by the enemies. Then the skin pigment also protect against the solar radiation. Okay, it also protects against the solar. Now in locomotion, अब locomotion में जैसे कि fin rays होते हैं in the fishes, okay? Feathers होते हैं in the birds and the tails. तो ये सब चीजें होती है, ये help करती है animal को for the locomotion, okay? So the dermal fin rays इन द फिशेस, ओके, डर्मल फिन रेज इन फिशेस एंड द स्किन वेब, स्किन वेब इन द फीट. आपने देखे होंगे जैसे कि फ्रॉग, टर्टल और जो एक्वेटिक बर्ड होते हैं, जैसे कि डक वगैरह देखा होगा, उनके जो फीट होते हैं वो कैसे वेब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, सो वो उनको चलने में मदद करते हैं. देन इट आल्सो हेल्प इन द स्विमिंग इन द वाटर, ओके, और अडेसिव पैड इन द एम्फीबियंस, जैसे कि आपने देखा होगा लिजार्ड में मेनली जब वो दीवार पे चिपकी रहती है, सो इट इज ड्यू टू द अडेसिव पैड. सो
डर्मल फिन रे, स्किन वेब, देन द अडेसिव पैड, अडेसिव पैड इन द एम्फीबिया, इट हेल्प्स फॉर द लोकोमोशन, और इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन, एंड जो कि फीदर्स होते हैं, फीदर्स और विंग्स इन द बर्ड, ओके, फीदर्स, फीदर्स, विंग्स एंड शॉर्ट टेल, ये किस में, ये होते हैं बर्ड्स में. सो ये क्या करते हैं, बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. सो इन दिस वे द लोकोमोशन इन द वर्टिब्रेट्स वर्क. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज द डर्मल एंडोस्केलेटन. सो डर्मल एंडोस्केलेटन, इट वर्क्स एज अ शील्ड, ओके, इट वर्क्स एज द शील्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल. सो इट वर्क्स एज अ शील्ड. सो किस टाइप के शील्ड्स होते हैं, तो जैसे कि स्किन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बोनी डर्मल आर्मर सच एज, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रेन का. सो दिस डर्मल एक्सोस्केलेटन इन द हेड शील्ड द ब्रेन एंड द सेंसरी ऑर्गन्स, ओके, जो डर्मल स्केलेटन प्रेजेंट होता है इन द ब्रेन, प्रेजेंट इन द ब्रेन, सो इट प्रोटेक्ट्स द हेड, ओके, ये प्रोटेक्ट करता है, एज अ शील्ड वर्क करता है. एंड द जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है. सो दिस डर्मल एक्सोस्केलेटन ऑल्सो प्रिवेंट्स द कॉम्पेरिशन ऑफ द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन एंड ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द टीथ. क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द टीथ. देन द सेकेंड फंक्शन इज फॉर द सिक्रीशन. नाउ द स्किन सिक्रीट्स द सब्सटेंसेस फॉर द सेवरल यूजेस. Now this skin gland secretes the substances having the several uses. अब ये secretion भी करती है. So किस type के secretion? So the mucus gland, okay? In the aquatic form. Mucus gland होता है. So it present in the aquatic animals such as the fishes. तो ये किसके लिए ये gland ये work करता है? सो जो उनके बॉडी को मॉइस्ट करने के लिए और स्लिपरी करने के लिए. सो दिस इज म्यूकस ग्लैंड कीप द बॉडी मॉइस्ट, ओके, एंड मेक इट स्लिपरी. देन द पॉइजन ग्लैंड, ओके, पॉइजन ग्लैंड. सो दिस इज नॉर्मली सिक्रेटेड बाय द स्नेक, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पॉइजनस सिक्रेट करते हैं, बट मेनली हम एग्जाम्पल लेंगे स्नेक्स का. तो ये पॉइजन क्यों सिक्रेट करते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन, ऑफेंसिव ऑफेंस के लिए वो सिक्रेट करते हैं. देन द यूरोफाइजियल ग्लैंड, सो ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है बर्ड्स में. सो ये बर्ड्स में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इट इज नॉर्मली नोन एज द प्रीन ग्लैंड और द ऑयल ग्लैंड, ओके, इसको क्या बोलते हैं, प्रीन ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड. तो ये बर्ड में प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द टेल, जो बर्ड की टेल होती है उसके बेस के नीचे ये प्रेजेंट होता है, वहां से एक ऑयल निकलता है,
ऑयल निकलता है फॉर व्हाट, फॉर ये फीदर, ऑयल सप्लाई करता है फीदर को, ठीक है। ये क्या करता है, यूरोफाइजल ग्लैंड ऑयल सप्लाई करता है फीदर को फॉर व्हाट, फॉर मेक इट वाटर प्रूफ, ओके, फॉर मेक इट वाटर प्रूफ। जैसे कि बर्ड्स वगैरह पानी में कभी गीले हो गए तो ये ऑयल क्या करेगा, उनके फीदर को प्रोटेक्ट करेगा। देन द नेक्स्ट इज द सबेशियस ग्लैंड। सो इट इज मेनली प्रेजेंट इन द मैमल्स, ये मैमल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, हेयर फॉलिकल्स के नीचे ये प्रेजेंट होता है फॉर द ल्यूब्रिकेशन। जो स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उनको इधर उधर मूव करने के लिए, ल्यूब्रिकेट करने के लिए ये ऑयल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये एक ऑयल सिक्रीट करता है फैटी सब्सटेंस दैट इज नोन एज द सीबम, ओके। उसको क्या बोलते हैं, सीबम, एक फैटी सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे कि क्या होता है, हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द हेयर। देन द नेक्स्ट इज द मैमरी ग्लैंड। ओके, इट सिक्रीट्स द मिल्क, ठीक है, मिल्क सिक्रीट करता है। देन नेक्स्ट इज द सेंट ग्लैंड। ओके, सो सेंट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। ये क्या रिलीज करता है, ये ऑर्डर रिलीज करता है टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, ओके, टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स एंड द ग्लैंड ऑफ ऑडिटरी। इट सिक्रेट्स द ईयर वैक्स, ओके, ये ईयर वैक्स सिक्रेट करता है ईयर्स में ताकि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह है वो एनिमल्स के ईयर्स तक जाने नहीं चाहिए, इसके लिए ये द ग्लैंड्स ऑफ ऑडिटरी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द फूड स्टोरेज। द फैट लेयर अंडर द स्किन ऑफ द शेल्स एंड द वॉल्स सर्व्स एज अ इंसुलेशन, ओके, एज वेल एज द रिजर्व फूड, ओके। तो जो शेल्स के और वेल जो होती है उसके बॉडी में जो भी फैट जो सीक्रेट होता है वो तो उनको इंसुलेशन के लिए मदद तो करता है, एज वेल एज इट सर्व्स एज अ फूड। सो हाउ इट वर्क्स, फूड स्टोरेज किस टाइप से फंक्शन करता है, सो इनमें क्या होता है कि इट सीक्रेट्स द फैट एज रिजर्व फूड, ओके। एग्जाम्पल इसमें है शेल्स एंड वेल्स। नाउ इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।